तो अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं एक्स वन बराबर एक्स वन ए, ठीक है, आप इन दोनों को लेकर कर रहे हैं या फिर हम इसको भी लेके हम हल कर सकते हैं। इसको लेके करेंगे तो इसमें एक्स वन कैनवस कर दिया, ये एक्स वन कैनवस कर दिया, साथ ही साथ इसमें करेंगे तो इसका भी एक्स वन का इनवर्स और ये एक्स वन का इनवर्स दोनों को साथ कर दिया, तो कोई भी इस मान पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब यहां से हम देख रहे हैं तो एक्स वन का इनवर्स ए और ये हो जाएगा आपके एक्स वन का इनवर्स, ठीक है। उसी तरह से यहां से क्या हो जाएगा एक्स वन का इनवर्स डॉट एक्स वन और इधर हो जाएगा ए डॉट एक्स वन का इनवर्स, हो गया। इसका मान क्या होता है बराबर, इसका मान कितना हो गया वन और ये हो गया एक्स इनवर्स वन, तो टोटली मान कितना है एक्स वन का इनवर्स ए बराबर ए एक्स वन का इनवर्स, जो दोनों किसमें करना है इस एन एम, ठीक है। अब इसके साथ साथ जैसे कि हमने कोई मान ले लिया जैसे कि एक्स वन एक्स टू ले लिया बिलोंग्स टू किसी एन ए में बिलोंग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी इसमें मान कर सकते हैं। सारे साथ में यहाँ पे हम एक्स एक्स टू बराबर एक्स टू है ये भी ले सकते हैं, इसको लेकर भी हम है ये वाला सिद्ध कर सकते हैं। और यदि डायरेक्ट मान ये एक्स वन बराबर ए एक्स एक्स वन ए है वो इस एन ए में बिलोंग कर रहा है इसलिए हमने इसके सापेक्ष इसका मान ये सिद्ध करके बताया है। अब इसमें करेंगे तो इसमें क्या करेंगे भाई एक्स टू वाले में एक्स टू लिखो इसमें एक्स टू का इनवर्स एक्स टू का इनवर्स और हो गया फिर एक्स टू डॉट एक्स टू का इनवर्स इसमें क्या हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 डॉट x2 का इनवर्स, ये क्या हो गया x2 का इनवर्स a बराबर इस तरह से हो जाएगा, यानी कि दोनों को मान है इनको बराबर करना है इक्वल करना है। अब इसके साथ में जैसे कि साहचर्य लेखा के लिए अपने को दिया हुआ है जिसमें मान दिया हुआ है कि भाई साहचर्य को सिद्ध करना हो तो साहचर्य के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पे देखना है कि जैसे दिया ए एक्स वन एक्स टू दो मान ले लिए बिलोंग्स टू इसी जी ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं तो अब इसमें क्या है ए एक्स वन एक्स टू ये मान लेके अपने को सिद्ध करना है साहचर्यता का तो साहचर्यता का कैसे करेंगे इसमें तीन मान ले लिए तो तीन मान के लिए हम क्या करेंगे लेकिन ए स्टार बी बी स्टार सी ये तो हमें पता है लेकिन जो मान है हमें कोई सा भी मान प्राप्त होता है उसको एक दूसरे के इक्वल करना है इक्वल यानी कि बराबर करना है तो बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें देखो या तो इसमें इक्वल है यानी कि जो हमने अभी लिए हैं एक्स वन एक्स टू मान लो जो कि इस जी में बिलोंग करने चाहिए यानी कि जो अपने थ्योरम थी ना वो तो बस यहीं पर कंप्लीट हो चुकी है वैसे तो निकल जाए लेकिन ये तो एक एक्स्ट्रा है कि भाई हम इसमें और लिखना चाहिए तो जिसमें एक्स वन एक्स टू दो मान ले लिए एक के सापेक्ष और फिर उसको जी में हल करके ए का इनवर्स है उसके साथ गुणा करके और उसको हल कर लेना ठीक है। अब एक सेम थ्योरम को है जस्ट इसके अगले वाले उसमें लिखो सेम थ्योरम में लिखो पहले कि सिद्ध कीजिए किसी समूह जी का केंद्र जेड जी जी का समूह बिल्कुल सेम है और मैं भी जस्ट करवा दूंगा स्कूल से हाँ सिद्ध कीजिए किसी समूह जी का केंद्र जी का केंद्र जेड जी जी का उपसमूह है जहां जेड जी बराबर
जेड जी बराबर क्या दिया हुआ है? अरे हाँ, ये वाला देखिए क्या? नहीं, हाँ, इसमें तो कुछ नहीं है कि ये जो मान दिया हुआ है इसमें ए एक्स वन डॉट एक्स टू रख दिया हाँ, फिर इनको लास्ट में एक बार इसको अनुपूर्ण करा दिया, एक्स टू को बाहर रख दिया, ठीक है, फिर इस ए को बाहर रख लेना एक्स टू, एक्स टू हो जाएगा जो कि बिलोंग करते हैं, इसके लिए हमने को ये करना है ना। हाँ, तो प्रश्न ये है, क्या लिखा था आपने? हाँ, जेड जी बराबर मान दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स बिलोंग्स टू जी, जहां पर जी एक्स बराबर एक्स जी है, ये अपने को सिद्ध करना है, बस सेम है ना, सेम थ्योरम है, बस कुछ भी नहीं करना इसमें, वही कि वो के वो मान ले लो और बस इनको सिद्ध करके बता दो। कैसे करेंगे? सबसे पहले जी बराबर किसी कर दो, इसमें हमने मान को कौन से लेना है, जी एक्स वन और एक्स ले लो, यानी कि जो जी एक्स वन है वो किसके बराबर है, एक्स वन जी के, और जी एक्स टू किसके बराबर है, एक्स टू जी के, ऐसे करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, वही रूल कौन से वाला, इसमें क्या करेंगे, डॉट इनवर्स एक्स वन, इसको पोस्ट कर दो, एक्स वन जी कर दो इसको ना, और ये एक्स वन का इनवर्स पहले हम ये तो कर रहे हैं, एक का तो करते हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो gx1 बराबर gx2 को ये दोनों को मान बराबर करना पहले, तो gx1 बराबर x1 g बराबर करना पहले, तो इसमें क्या करेंगे कि x1 इनवर्स g और ये हो जाएगा आपके डॉट x1 का इनवर्स, ये हो जाएगा x1 का इनवर्स डॉट x1, डॉट ये हो जाएगा g डॉट x1 का इनवर्स, इसका मान कितना हो जाएगा, x1 इनवर्स g डॉट क्या जाएगा, और ये हो जाएगी डॉट जी डॉट एक्स वन का इनवर्स, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह देंगे, एक्स इनवर्स जी बराबर क्या जाएगा, जी डॉट एक्स वन का इनवर्स, ठीक उसी तरह से हम जी टू वाला करेंगे, तो जी एक्स टू वाला भी क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स टू का इनवर्स डॉट एक्स टू का इनवर्स कर देंगे, दोनों तरफ करने के बाद में ये एक्स टू जी है, इसमें भी एक्स टू का इनवर्स एक्स टू का इनवर्स, दोनों को हल करके हम ये कर देंगे लास्ट में कि जी एक्स टू बराबर क्या है, एक्स टू जी। अब देखो इसमें जैसे कि जो हम लास्ट बार ले रहे थे जी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा जी, अब इसमें देखो एक तो ये हमने ले माना, अब लास्ट में अपने इसमें ये सिद्ध करना है जो हमने एक्स वन और ये एक्स टू इनवर्स वाला है, एक इनवर्स वाला मान ले लिया पे, या फिर एक्स वन एक्स टू तो मान हमें पता है कि एक्स वन इस जी में बिलोंग कर रहा है, एक्स टू तो ऑब्वियसली इस जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने
मान ले रहे एक एक यहां से ले लो एक ये वाला मान लो तो या फिर यहां से लेने से भी जो हमें ये सिद्ध करना है कि यहां पे जो हमने मान लिए x1 वो x2 वाले वो इस g में बिलोंग करते हैं तो यहां से हम जैसे कि x1 डॉट x2 का इनवर्स लेते हैं बिलोंग्स टू g तो अब इसमें क्या करेंगे g x1 डॉट x2 इनवर्स बिलोंग्स टू g फिर g x1 डॉट x2 का इनवर्स बिलोंग्स टू g देखिए अपन इसमें भी देखा है g है इन दोनों को साथ में लेके आके फिर लास्ट में ये मानता हूं क्या जो भी हो हमेशा ध्यान रखना है कि हम यहां पे जो मान ले रहे हैं यहां पे जो भी मान ले रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट लास्ट में मान प्राप्त करना है बस कैसे भी करके उसमें x y z भी गुणा करा करके वो लास्ट में उसके जस्ट अपोजिट मान प्राप्त करना है ठीक है तो इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है अब है नई प्रश्नावली